नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में अतिक्रमण को लेकर। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य जारी है। ऐसे में सरकार अब जमीन अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। सदन में बोलते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में सभी तरह की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अप्रैल महीने से एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण पर सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सदन में बोलते हुए विभागीय मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि प्रदेश में दूसरे चरण के तहत जमीन सर्वे का कार्य जारी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जमीन की मापी कराने के लिए कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब गाँव में जमीन की मापी के लिए जमीन का नक्शा नहीं मांगा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी को किराए पर नक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कहा कि प्रत्येक मौजे में दो दो नक्शा रहेगा। उन्होंने कहा कि नापी के दौरान अगर कोई कर्मचारी आपसे नक्शे की मांग करता है या फिर किराए पर देता है तो वैसे अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी CO या फिर अंचल अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन को एक बार में रद्द या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को एक बार पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि बिना पक्ष जाने किसी भी व्यक्ति का आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सदन में मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अब तक दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन माध्यम से 69,49,309 आवेदन लोगों की तरफ से आए हैं, जिसमें से 59,86,192 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि साल 2021-2022 में अब तक 20,36,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 11,46,000 का निष्पादन किया जा चुका है। साथ ही साथ यह भी बताया कि परिमार्जन पोर्टल पर 15,58,000 शिकायतों में से 13,30,000 का निपटारा किया जा चुका है। सदन में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त हुए 2,94,000 आवेदकों में से 2,75,000 को SPC जारी कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी में 1,29,000 बेदखल पर्चाधारियों में से 1,08,000 लोगों को दखल कब्जा दिलाया जा चुका है। साथ ही साथ राम सूरत राय ने यह भी कहा कि अब आपको जमीन का नक्शा लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑफिस का चक्कर काटना होगा। अब जमीन का नक्शा सीधे आपके घर पहुंचेगा। इसके लिए डाक विभाग से सहमति ले ली गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द घर नक्शा आपके घर तक जो है पहुँच जाएगा। यह भी बताया गया है कि इस तरह की व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। तो एक तरह से कहना है कि बिहार में जमीन को लेकर जितने काम हो रहे हैं वह बहुत ही अलग हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी वर्तमान में दूसरे चरण का जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और इसी सर्वे के तहत जो है बिहार सरकार अतिक्रमण मुक्त, यानी कि बिहार सरकार की जो अपनी जमीन है उस पर जो है अतिक्रमण मुक्त करने वाली है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अतिक्रमण की जमीन पर किसी ने अपना मकान बना लिया है या फिर गैर कानूनी तरीके से वो रह रहे हैं तो उस पर सीधे तौर पर जो है बुलडोजर चलेगा। तो जमीन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बड़ी जानकारियां जो है निकलकर सामने आई है। ऐसे में बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। जय 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 धन्यवाद।